सुबह कब हुई थी भैया बताइए। कल सुबह मॉर्निंग में हम उठे जब 5 बजे करीब, तो मिसेज उठ के बोली फ़ोन कहाँ रखे हैं। तो मैंने बोला भाई सिरहाने रखे फ़ोन, तो फ़ोन चेक करा तो एक भी फ़ोन हमारे सिरहाने, दोनों फ़ोन नहीं थे। तो वो उठ के उसने लाइट जलाई, लाइट जला के उसने बताया तो एकदम उसको अलमारी खुली दिखी। तो खुली दिखने के बाद हमने अलमारी चेक करी तो उसमें से 9,000 रुपये गायब थे। पेंट की जेब चेक करी तो उसमें 5-6 हज़ार रुपये गायब थे। फिर बाहर आके मम्मी को पूछा आपका फ़ोन कहाँ है, तो मम्मी ने बताया मेरा फ़ोन ताक में रखा है। तो ताक में देखा तो ताक में फ़ोन नहीं था। फिर भाई छोटा भाई देखता कमरे में गया अपने खुद के, उस रूम में जाके देखा तो उसमें से भी फ़ोन गायब था उनका। टोटल कितने फ़ोन गायब? टोटल 4 फ़ोन मेरे थे और 15,000 रुपये मेरे गायब हुए कल सुबह मॉर्निंग। 7-4 सैमसंग के फ़ोन थे। मतलब कुल मिलाकर कितने की चोरी हुई? कम से कम हुए नहीं, लगभग 60 हज़ार के समथिंग तो फ़ोन थे और 15,000 रुपये कैश गए। कौन सी जगह आपका मकान है? ये अपने न्यू गीता कॉलोनी नरसिंहपुरा फैसल रोड पे अजमेर में मकान है। चोरी हुई है और कब हुई थी? कल रात को जब हम सारे सो रहे थे, करे थे, सुबह उठे थे, पास वाले घर में हल्ला हुआ था कि भाई चोरी हो गई है करी, तो हमें लगा ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जब हमने हमारे घर पे चेक करा तो हमारे भी 4 फ़ोन गायब थे। फिर कल 16 तारीख को कल हमारे चोरी हुई। फिर हमने मीडिया को बुलाया, पुलिस ऑफिसर को बुलाया, सबको घर में पूरी तलाश हुई, पर मैं अभी तक फ़ोन और इनके कोई वो नहीं। कितने फ़ोन थे, कितनी नकदी थी? 4 फ़ोन थे और चारों फ़ोनों को मिला के मतलब समथिंग 50,000 तक। नकदी कितनी थी? कैश वगैरह? नहीं कैश नहीं, मतलब कैश समथिंग मेरे पापा के यहाँ जेब के अंदर 5,000 रुपये जेब में थे, वो गायब हुए।